हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी आर एक्स मेडी हेल्प। तो आज हम जिफी टैबलेट का रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस टैबलेट के बारे में कंप्लीट डिटेल। इस टैबलेट में क्या कंपोजिशन है और डॉक्टर इसको किस किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिफी टैबलेट एफडीसी लिमिटेड द्वारा बनाया गया मेडिसिन है। ये टैबलेट दो फॉर्म में आती है, जिफी 200 टैबलेट एंड जिफी 100 टैबलेट। इसकी एमआरपी 10 रुपये है और जिफी 100 की 7 रुपये के समथिंग है। दोस्तों, जिफी टैबलेट में सिफेक्सिम एंटीबायोटिक है, जो एक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियाओं के संक्रमण को ख़त्म करता है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करके उनकी ग्रोथ को रोकता है, जिसे हम सेल वॉल सिंथेसिस कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसका यूज हम किस किस कंडीशन में करते हैं। दोस्तों, जिफी टैबलेट का यूज हम जहाँ यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन वगैरह है या कोई दिक्कत हो रही है पेशाब में, तो वहाँ इसमें इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ आईटीआई इन्फेक्शन है, जैसे नाक कान गले में कोई संक्रमण है, वहाँ भी इसको दे सकते हैं। निमोनिया हो गया है, सर्दी जुकाम जो निमोनिया हो जाता है सर्दी से, वहाँ हम इसको दे सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया है, कान के मिडिल में अंदर कोई इन्फेक्शन है, वहाँ हम इसको दे सकते हैं। जॉइंट इन्फेक्शन, जहाँ हड्डियों में के बीच में जॉइंट में इन्फेक्शन वगैरह कहीं हो जाता है या हड्डियों में कोई इन्फेक्शन है, गलाव है, तो वहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डोजेस के बारे में। तो दोस्तों, जिफी 200 और 100 टैबलेट फॉर्म में है, तो इसको 100 जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए यूज की जाने वाली दवा है, जो 7 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं, वहाँ हम इसको दे सकते हैं। और इसको बीडी दिया जाता है, यानी सुबह शाम खाना खाने के बाद, और यही जिफी 200 का है। ये एडल्ट डोज दी जाती है, ये भी सुबह शाम दो टाइम ली जाती है। अब हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव ब्रांड की। अगर मान लो सिफेक्सिम में जिफी अगर नहीं मिलती है कहीं, वैसे तो हर मेडिकल स्टोर पे ये इजीली अवेलेबल है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी जिफी टैबलेट अगर नहीं मिलता है तो आप उसके अल्टरनेटिव ब्रांड भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हैं, वो मैं कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे इंटास कंपनी की सेफटास के नाम से आती है, सेफटास 200, ग्लेनमार्क की है मिलेक्सिम, एंड एल्केम लेबोरेटरीज की है टैक्सिम ओ टैबलेट, एंड मैनकाइंड फार्मा की है मासेफ 200 टैबलेट। तो आप इनको भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सेम कंपोजिशन में है। अब बात करते हैं हम इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सेफेक्सिम का जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखे गए हैं, जैसे कि दस्त वगैरह हो जाना है, चक्कर आना, पेट में एसिड बनने लगता है या उल्टी आने लगी है, नौजिया है, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर देखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही कोई दवाई खाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी सिफेक्सिम के बारे में, जिफी टैबलेट के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।